हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब मजे में होंगे। मैं मुसब्बिर अंसारी आपको अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा पहला वीडियो नसरुद्दीन शाह के लिए आया था, आज उसी तरह एक मज़ेदार वीडियो एक बार फिर से मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बेवकूफ़ राजा। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग अपनी कहानी की तरफ। बेवकूफ़ राजा। बेवकूफ़ राजा का नाम उस राजे के नाम पर बेवकूफ़ किसने रखा और क्यों रखा? तो बात इस तरह स्टार्ट होता है कि बादशाहत उनके अंदर में थी और वो काफ़ी मुल्कों में बादशाहत अपनी चलाती थी। तो राजा जो था उनको अपने लिए मनोरंजन चाहिए था हर हफ्ता। तो उसने अपने मनोरंजन के लिए वो क्या करता? तो अच्छा, कभी कभी अलग अलग से एक्टिविटीज़ अपने लोगों के साथ करते रहता था, बहुत सारे प्रोग्राम करते रहता था, जैसे गज़ल का प्रोग्राम, जैसे गाने का प्रोग्राम, जैसे डांस का प्रोग्राम और इसी तरह इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम वो अपने राज्य दरबार में चलाया करता। राजा तो राजा था, राजे के दिमाग में हमेशा कुछ नई बातें चलती थी। एक बार उसके दिमाग में कुछ ऐसा बात चला जो हम लोगों के दिमाग से बाहर था। वो क्या था? वो राजा का कहना था, क्यों ना मैं अपने राज्य में एक ऐसा प्रोग्राम रखूं जो बेवकूफ़ों पर हो और जो लोग सबसे ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सके उसको मैं अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दूंगा। इतने बड़े इनाम सुनकर पूरे मुल्क में तहलका मच गया। अब राजा के सिपाही तो हर गांव में जाके बताने लगे कि बताओ भाई, कोई ऐसा है जो दुनिया को बेवकूफ़ बना सके, लोगों को बेवकूफ़ बना सके? राजा अपनी आधी सल्तनत देने के लिए तैयार है। राजा के दरबार में कंपटीशन चालू हुआ और मुल्क से, बैरूनी मुल्क से, सभी आउट ऑफ कंट्री से लोग आने लगे, बेवकूफ़ों का जत्था आने लगा। तो बेवकूफ़ आने लगे अब राजा के दरबार में, तो राजा भी सोचने लगा कि क्यों ना कंपटीशन को चालू किया जाए। तो बहुत सारे बेवकूफ़ आते थे, गुड़मुड़िया खाते थे। गुड़मुड़िया बोलते तो मतलब सर के ऊपर से पलटी मारना। और बहुत सारे ऐसे आते थे जो राजा को मोच पकड़ के घुमाने लगते थे, आँखों को टिमिची मारने लगते थे, मतलब कुछ भी करके लोगों को इंटरटेनमेंट करते थे कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ और यही नहीं बल्कि मैं लोगों को बेवकूफ़ भी बना सकता हूँ। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब बेवकूफ़ को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, ऐसा उनका कहना था। सलीम का एक इंसान जो बेवकूफ़ों के सरदारों में से सबसे बड़ा सरदार चुनाया गया। राजा इस बात पर खुश था कि पहली बार मेरे सल्तनत में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है। तो आज शाह सलीम उसमें से एक थे जो कि फर्स्ट नंबर पर आए थे। तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसको अपने सल्तनत का आधा हिस्सा दे दिया। और वो शाह सलीम सब सामान लेने के बाद वो जहाँ उसको महल मिला, जहाँ उसको राज मिला, वहाँ चले गए, वहाँ रहने लगे। रहने के बाद कुछ साल के बाद अचानक उसको खबर मिलता है कि जिस राजा के दरबार में शाह सलीम कंपटीशन किया था, अपने आप को सबसे बड़ा बेवकूफ़ साबित किया था, उस राजा का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो अनकरीब मतलब आज कल में मरने वाला है। ये बात सुनकर शाह सलीम को काफ़ी दुख हुआ और शाह सलीम अपने पूरी सवारियों के साथ उस महल में पहुँचे। महल में दाखिल होते हैं और राजा से सवाल करते हैं कि राजा साहब आप कैसे हैं? तो राजा कहता है, यार मैं बहुत परेशानी में हूँ, अनकरीब कभी भी मर सकता हूँ। शाह सलीम ने बोला, ऐसा क्या हुआ हजरत, आप कहाँ कहीं जा रहे हैं क्या? बोला, हाँ मैं एक ऐसा मुल्क जा रहा हूँ जहाँ आराम ही आराम है, जहाँ नींद ही नींद है, बस इस दुनिया से मैं जा रहा हूँ। तो बेवकूफ़ का सवाल तो बेवकूफ़ के जैसा था। उसने बोला, ऐसा कहाँ जा रहे हैं आप, खाली नींद ही नींद मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ इतना इतना महल में इतना नौकर के साथ रहते हैं, क्या वहाँ भी आपका नौकर रहेगा? बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ था भाई, बेवकूफ़ जैसा ही सवाल करेगा। उसने बोला, यार मैं मर रहा हूँ। बोले, ये कौन चिड़िया का नाम है जो मर रहा हूँ? आप इतना सिर्फ बताइए कि आप जहाँ जा रहे हैं, आप इस महल में अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, क्या आपको वहाँ मिलेगा क्या? बोले, यार तुम नहीं समझ रहे हो, मैं मर रहा हूँ। बोलो, वो सब बात हटाइए, टेंशन मत दीजिए हमको, आप सिर्फ इतना बताइए कि जो आप यहाँ इतना बढ़िया फर्श ज़मीन पर चलते हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ इतना बढ़िया ज़मीन है कि नहीं?
उसने बोला यार वहाँ तो नहीं है। बोला ऐसा जगह काहे जा रहे हैं आप जहाँ ना खाने को खाना है ना पीने को पानी है ना चलने पर जमीन पैर गंदा हो जाएगा, आप फर्क पर चलते वहाँ रह पाइएगा, कोई तैयारी है आपका? तो बेवकूफ़ का सवाल ही बेवकूफ़ की तरह था तो जवाब भी देने वाला बेवकूफ़ बना। वो बोला, राजा बोला कि ऐसा जगह तो नहीं है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ऐसा कुछ इंतजाम है। तो बेवकूफ़ बोला कि मत जाइए वैसा जगह, हम ही चल जाते हैं। राजा बोला कि अरे तुम कैसे जा सकते हो, वहाँ तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ बोला कि इतना डेंजर जगह तो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। तो राजा बोला कि अरे यार तुमको इतना बड़ा सल्तनत दे दिए है, तुम उसको चलाओ, यहाँ तक कि जब मैं चल जाऊँगा तो मेरा गद्दी पर भी तुम ही बैठना, तुम ही चलाना। था तो वो बेवकूफ़। अब उसने बोला कि नहीं भैया, आप हमको दे दिए तो क्या समझ लिए, आप बहुत बड़ा बलिस्टर बन गए, नहीं ऐसा नहीं होगा, जहाँ आप जाइएगा वहीं हम जाएंगे। तो बोला ऐसा है कि अगर मेरा सांस बंद हो जाए, मैं हिलना बंद कर दूँ, तो तुम समझ लेना कि मैं वो जगह चल गया, फिर वैसे ही तुम करना। दूसरे दिन राजा का मौत हो जाता है। अब वो बेचारा शाह सलीम उसको देख कर के सांस भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चलता, वो दिमाग लगा कि ऐसा कैसे करूँ जो इसके तरह हो जाऊँ। तो उसने भी अपने मुंह पर और हाथ पर कपड़ा बांधा और पानी के अंदर में अपना पूरा सर को डाल दिया, बट इतना छटपट आया कि कुछ देर में उसको मर गया। तो बात ये समझिए आप कि बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं था उनके लिए, बेवकूफ़ बनके भी लोग काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं इस दुनिया में। तो आप बेवकूफ़ बनाइए सबको, बेवकूफ़ बनिए मत। थैंक यू।